दोस्तों आज है दीपावली का महान त्यौहार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपने कभी सोचा है क्यों मनाई जाती है दिवाली? आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। इस बार दिवाली का त्यौहार 24 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। भारत में दिवाली के त्यौहार को भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर साल दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और मैंने आपको बताया जो आज है यानी 24 अक्टूबर। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्यौहार है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये खूबसूरत त्यौहार क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? आइए उन पौराणिक कहानियों के बारे में जानते हैं। राम जी की 14 साल वनवास के बाद वापसी। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। दोस्तों आइए दूसरी कथा वो मैं आपको बताऊंगी। श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। दोस्तों आइए अगली कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ, पांडवों की घर वापसी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दें, पांडवों को भी वनवास झेलना पड़ा था जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया, तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। दोस्तों इस दिन माँ लक्ष्मी जी का अवतार भी होता है। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दिवाली मनाने का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के छठवें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा कराने की मांग करने लगे। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी, इसलिए इस त्यौहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट की जीत। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षण के कारण हमेशा जाना जाता था। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चढ़ाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। माँ काली का रौद्र रूप। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी कहानियां हैं। आखिर क्यों मनाई जाती है दिवाली, आप सब लोगों ने समझ लिया होगा। तो दिवाली मनाइए, ये प्यार से मनाइए और पटाखों का कम इस्तेमाल करिए। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।